थोड़ा पीछे जगह था आप लोग पीछे पीछे टीप गाड़ी दीजिए कदम बढ़िए चलिए बढ़िए बड़ी 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 मत कर दीजिए यार कपड़ा हो गया
ये फोटोग्राफर है, इसको हटाओ पीछे भैया, इसको पीछे करो, पीछे पीछे करो, पीछे भैया पीछे करो, सामने प्रेस के उसमें नहीं आना चाहिए, साइड में हो। यहाँ से इनको एक तरफ कर दो ना, इधर सामने से, यहाँ सामने खड़े हो। मित्रों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज यूपी डे है। यूपी पवेलियन का भी मैंने उद्घाटन किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दो बार से गोल्डन ट्रॉफी यूपी के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश ने ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में बहुत कुछ नया किया है, खासतौर पर वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसमें उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में मदद की। तो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां से विकसित हुई हैं। आज इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ हो रहा है उसको भी शोकेस करने का एक प्रयास हुआ है। विभिन्न अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वह नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, यमुना अथॉरिटी हो, यूपी सीडा है, इन सभी के स्तर पर, या यूपीडा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करती है, इन सब के स्तर पर क्या क्या प्रगति हुई है इसको भी इस ट्रेड फेयर के माध्यम से जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें प्रस्तुत करने का एक प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य से उभरने में सफलता प्राप्त की है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने अपने एक्सपोर्ट को
कोरोना जैसी महामारी के बावजूद 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना है जो आज पूरे देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के दिशा में अग्रसर हुआ है। कोरोना कालखंड में 40 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, इन सभी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई के आधार वाला राज्य भी बना है। तो एमएसएमई के इस बेस ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए एक नया माहौल दिया है। इस वर्ष के प्रारंभ में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में 1,10,00,000 नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश ने अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म को जिस मजबूती के साथ बढ़ाया है, इसके कारण 6 वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो संख्या पहले प्रतिवर्ष 3 करोड़ तक पहुंचती थी, आज वो बढ़कर के 32 करोड़ तक जा रही है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह गाथा है जो इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पेवेलियन में भी प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। अभी हाल ही में सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग फील्ड हैं, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हों, एग्रीकल्चर के हों, हेल्थ को हों, आईटीएस के हों, फार्मा के हों, इन सभी के लिए हमने वहां पे एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ट्रेड शो में 70,000 से अधिक बायर्स आए थे। इसमें कुल फुटफॉल जो था वह 4 लाख से अधिक था। एक सफलतम ट्रेड शो जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर इस ट्रेड शो के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और अभी 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक गोरखपुर में भी एक ट्रेड शो को आयोजित करने की कार्रवाई शासन के स्तर पर चल रही है। मुझे विश्वास है कि इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी पेवेलियन में जाकर के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दर्शन करने का अवसर सभी जितने भी इस फील्ड में रुचि रखने वाले बायर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं या सामान्य घर गृहस्थी के लिए भी लोगों को, जो तमाम प्रकार के लोगों को मार्केट से क्रय करना होता है या पर्व और त्योहारों के समय में भेंट देना होता है, उन्हें अवश्य ही उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट पसंद आएंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पेवेलियन का यूपी डे के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर मैं जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं, इन सबको और आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और एक सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।